हेलो वेलकम बैक टू द शेयर्ड जर्नी पॉडकास्ट। दोस्तों मेरा नाम है तरुण चौधरी और आज हम निकले हैं एक अच्छे से सफर में। मैं अकेले नहीं हूँ, मेरे साथ काफ़ी सारे दोस्त जा रहे हैं। मैं एक बार जाऊँगा इसको दिखा दो, ये सारे मेरे कलीग्स हैं, सारे मेरे कलीग्स हैं, साथ में एक कैमरे के पीछे है उसको भी दिखा देंगे थोड़ी देर में। तो हम सब निकले हैं वाराणसी घूमने के लिए। कहाँ कहाँ जाएंगे वो मुझे नहीं पता, मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। और अगर कोई फर्स्ट टाइम आ रहा है तो उसको कहाँ कहाँ जाना चाहिए आगे इस ब्लॉग में कंटिन्यू करेंगे। अभी हम लोग निकले हैं प्रयागराज से और शायद 2 घंटे का रास्ता तो हम पहुँच जाएंगे थोड़ी देर में वाराणसी तक। वो चलिए थोड़ी देर में ठीक है। तो ये है वो चौथा बंदा और हम सब जा रहे हैं इस टाइम पे वाराणसी घूमने के लिए। ट्रेन यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त चल रही है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस स्टेशन पे। तो ये ट्रेन थी जिससे अभी हम रुके हैं, LHB कोचेस की ट्रेन थी। जर्नी अच्छी थी, लेटने को मिल गया आराम से, होते हुए आ गए बस बहुत बढ़िया है। तो अभी चल रहे हैं, बाहर निकलते हैं और पहले शायद किसी घाट वगैरह की तरफ जा रहे हैं तो वहाँ चलते हैं। फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं घाट पे। घाट का नाम मैं मेंशन कर दूंगा तो कुछ इस तरीके के पीछे है। अभी आरती आप लोगों ने देखी ली होगी और हम लोग बोट में बैठ चुके हैं इस तरीके से। सारे लोग बैठ चुके हैं अभी साथ में हमारे कलीग फ्रेंड्स। चाय तो नहीं पिलाएंगे तो ये भी कोई बोट है। अभी हमको शायद पता नहीं 30-40 जो है घाट दिखाने ले जाएगी। उस साइड दिखाता हूँ काफ़ी सारे घाट और बोट की तरह कुछ ऐसा यहाँ पर इनका होता है डॉक यार्ड बोट यार्ड। और उस साइड आप देख सकते हो काफ़ी सारे बोट्स जा रखे हैं और वहाँ पर घाट है और इस साइड में भी घाट है। तो अभी हम लोग शायद उस तरफ में जाएंगे, शायद चक्कर लगा करके घुमा के फिर यहीं ले करके आएंगे। और ये था घाट जहाँ हमने भी आरती एंजॉय करी, आपने भी आरती का भी शॉट आपने देख ही लिया है कुछ ऐसा है। तो अभी चलते हैं।
मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग फ्रॉम वाराणसी। इस टाइम अभी हम हैं वाराणसी की गलियों में, तो सुबह हम लोग उठ चुके थे और अभी जा रहे हैं इस टाइम आगे यहाँ पर वाराणसी की तरफ, तो बाकी लोग अभी आगे चल रहे हैं मेरे। तो हमारी फर्स्ट डेस्टिनेशन आज रहेगी काशी विश्वनाथ टेम्पल, तो काशी विश्वनाथ टेम्पल की तरफ हम चल रहे हैं सुबह सुबह। पहले यहाँ पर दर्शन करे जाएंगे, उसके बाद ही कुछ भी नेक्स्ट काम जाएंगे, तो फटाफट चलते काशी विश्वनाथ टेम्पल। अभी हम लोग घूम के आ चुके हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल। टेम्पल बहुत बढ़िया था, लेकिन उसके अंदर आपको मोबाइल फोन वगैरह काफ़ी चीज़ें जो आपको अलाउड नहीं करी जाएगी, तो अभी वो ट्रैवल करके आ चुके हैं अंदर। सुबह बहुत अच्छा मंदिर था, आपको नंदी भगवान मिलेंगे, काशी विश्वनाथ जी के मंदिर मिलेगा, अच्छा बना रखा है, काफ़ी डेवलपमेंट करा गया है पहले से, लेकिन भीड़ बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, पहले के बाद मंदिर को कमर्शलाइज कर दिया है जो नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से भीड़ बहुत बढ़ चुकी है मंदिर में, तो इस पर शायद गवर्नमेंट को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अभी हम लोगों ने घूम लिया, अब नेक्स्ट डेस्टिनेशन कहीं और देख रहे हैं हम, शायद बी एच यू वगैरह भी आएंगे मंदिर है, लेकिन उसके बाद सारनाथ जाने की प्लानिंग है, तो आगे चल के देखते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं काशी विश्वनाथ टेम्पल, खाना पीना हम लोगों ने कर लिया है, अब हम जा रहे हैं सारनाथ टेम्पल के लिए। यहाँ पर घूमने जो एक बुद्धिस्ट टेम्पल है वहाँ जाएंगे घूमने के लिए और देखेंगे कैसा टेम्पल है। फिलहाल अभी रास्ते में हमें बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, पहली बार हम बनारस आए हैं और काफ़ी अच्छा लग रहा है। फाइनली अभी हम लोग आ चुके हैं सारनाथ टेम्पल, मेरे फ्रंट में देख सकते हो, ये मेरे फ्रंट में आप देख रहे हो, ये है सारनाथ का मेन टेम्पल। ये श्रीलंका के मोहम्मद बिच्छू, उन्होंने डोनेशन के पैसा से टेम्पल को बनाया है, उस टाइम में 70,000 में टेम्पल को बनाया गया था। ये आपका टेम्पल 1923 से बनना स्टार्ट हुआ, 1931 ये बनकर कम्प्लीट हुआ, 8 साल लगा टेम्पल को बनाने में। सारनाथ का मेन टेम्पल इसको इसलिए बोलते हैं, मेन टेम्पल के अंदर जो है गौतम बुद्ध के दांत को रखा गया है, जो उसी का यहाँ बुद्धिस्ट लोग पूजा करने के लिए आते हैं, उसके एक साल में एक बार ओपन करते हैं, बुद्ध पूर्णिमा पूजा होता है ना, तो ये हजारों दरिया की संख्या में बुद्धिस्ट होगा, उसी दिन उसका पूजा कराते हैं। टेम्पल के अंदर जो आप स्टेचू देखिए, स्टेचू गौतम बुद्ध का है, देखने में आपको गोल्ड जैसा दिखे, और वो गोल्ड का है नहीं, रेड स्टोन पे गोल्ड पॉलिश को किया गया है, और टेम्पल के अंदर दोनों साइड पेंटिंग है, जो गौतम बुद्ध का पूरे जीने से लेकर मिडिल टाइम तक लाइव पेंटिंग को बनाया गया। पेंटिंग को जापान के आर्टिस्ट ने 1934 में पेंटिंग को बनाया है। ये आपका टेम्पल 1923 से बनना है शुरू, 1930 में कम्प्लीट हुआ, 70,000 रुपये मंदिर को बनाया गया था। ये मंदिर बनाने के बाद ये यहीं पर इनका ध्यान भी हो गया, ये श्रीलंका के बिच्छू थे। जैसा कि बताया यहाँ पर इनका देहांत हो गया था, लिखा है यहाँ पर बॉर्न इन कोलंबो साइलोन सितंबर 1864 डाइड एट सारनाथ अप्रैल 1933 फाउंडर ऑफ महाबोधि सोसाइटी। कोलंबो श्रीलंका में है, श्रीलंका की कटिंग करने के बाद देवमित्र अनागाड़ी का धर्मपाल जी 1932 में इस प्लेस की ट्री को लगाए हैं। तो गौतम बुद्ध किस टाइम बैठ कर उन्होंने 5 शिष्यों के साथ फर्स्ट उद्देश्य को दिया है, ये मॉडल वहाँ बनाया गया, जो कि बर्मा की कंट्री के लोग कल्पना करके स्टेचू में बनाया है। और ये भी लोग नचा रहे हैं बुद्धा को, कौन सी लोग बोले थे, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, ये उसी स्पीच को इसमें लिखा गया। इनका मतलब क्या होता है, ये जो कि धर्म चक्र परिवर्तन इसे बोलते हैं, इसे लिया पूजा करने से घर में शांति का प्रतीक होता है। और ये शीशे में स्टेचू है, तो 27 स्टेचू, हर एक बॉक्स में गौतम बुद्ध का ही स्टेचू, नाम अलग अलग है, गौतम बुद्ध की 5 शिष्य माने जाते हैं, 27 क्या होता है,
और ये जो घूटा देख रहे हैं ये अष्ट धातु है, आठ धातु को मिला के इसको बनाया गया। इसका वेट केवल 2010 kg का है और साउंडिंग का वेट 2-3 किलोमीटर तक पूरा सुनाई देता है। तो जर्मन की रानी ने श्रीलंका वाले को डोनेशन दिया, वो पूर्ण पूजा की है। बस्तर में मैं डेली मॉर्निंग में 4 o'clock को शाम को 6:30 अब भी हम एक लोकेशन पर आए हैं। ये भी कोई टेंपल ही है, तिब्बतन कल्चर के रिगार्डिंग कुछ है। अभी आगे चलते हैं और आगे चल के देखते हैं कि कैसी जगह है, एक्सप्लोर करते थे। और उनके ये जो मंच थे इसी मंच से सारे ढोल को हाथों से बजाते और पीछे जो 5 स्टैचू आप देख रहे हैं वो रेड चंदन की लकड़ी के हैं। जो झूमर है झूमर भी चंदन लकड़ी पे गोल्ड पॉलिश को किया गया है। और यहाँ सुबह 5 से लेकर 6 बजे तक होता है पूजा, यहाँ शाम को 6 से 7 रेड चंदन सारे ढोल को हाथों से बजाते हैं। इसमें ज़्यादा अभी हम आ चुके हैं अशोका स्तंभ वाली जगह पर। अभी यहाँ पर आर्कियोलॉजिकल पार्क क्रिएट किया गया है। आपने देख रहे हो कि किस तरीके की यहाँ पे साइट्स कुछ बन रखी है, जो पुराने कंस्ट्रक्शन हो रखे हैं उस तरीके के। अशोका स्तंभ के बारे में भी यहाँ पे दे रखा था, कुछ इस तरीके की यहाँ पे ये साइट है। तो ये ऐसा ही है, अभी आपको शॉर्ट्स में लगा दूंगा। अभी नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे म्यूजियम के अंदर और म्यूजियम में दिखाता हूँ कि क्या है। Oh,
दोस्तों ये था मेरी तरफ से वाराणसी का ब्लॉग, कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना, वीडियो को लाइक जरूर करना। फिलहाल अभी हम ये ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। वाराणसी की आरती से मेरे पीछे इस टाइम आरती चल रही है, तो यहाँ से हम निकल रहे हैं आरती देख करके। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।